नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन का एक ऐसा एपिसोड जो एलए से आई। ये महिला फ्रीजर में बंद करके इंसानों की तस्करी करती थी। बॉर्डर पार इंसानों को, बच्चियों को इसने फ्रीजर में बंद करके भेजा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस थी ये महिला। का नाम, जो पूरा नाम है, मारिया चाटा लियोन है, जिसे मारिया लियोन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। लॉस एंजलिस में इसने अपना पूरा दबदबा बना लिया था। ये महिला पहले से कोई माफिया नहीं बनी थी, महारानी की तरह एले में रहती थी। इसके 13 बच्चे थे, खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन अचानक से ये एक नॉर्मल क्वीन से माफिया क्वीन बन गई। इसका सफ़र काफ़ी ज़्यादा रोमांचक था, क्योंकि ये अपने बच्चों को भी इस बिज़नेस में इसने एंट्री करवा दी थी। इसके कई बच्चे, जो बड़े बेटे थे, वो इसके खुद गैंग में शामिल थे। मेक्सिको का सबसे खतरनाक गैंग था जिसमें ये मारिया शामिल थी। उसके अंडर ही अपना गैंग चलाती थी, जिसमें इसके बड़े बड़े बेटे भी गैंगस्टर बन गए थे, जिनके नाम से एले में दबदबा होने लगा था। मारिया ड्रग्स की तस्करी करती थी, इंसानों की तस्करी करती थी, इसके अलावा हथियार इधर से उधर करना, तमाम तरीके के आरोप इस मारिया पर लगे थे। तो इसे आम क्वीन से ज़्यादा अब माफिया क्वीन के नाम से जाना जाने लगा। ये गैंग ने 2 दशक तक एले में कई अपराध किए। इसके ऊपर कई ऐसे क्राइम के आरोप लगे हैं जो 2 दशक तक इस महिला ने अपने बच्चों के साथ मिलकर ये काम किया था। अब मारिया को क्वीन क्यों कहा जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब इसने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू किया तो कई बड़े बड़े स्मगलर्स इसकी रेंज में आने लगे, बातचीत करने लगे, इसका बिजनेस एक्सपैंड होने लगा। क्योंकि इसके बड़े बेटे इसमें शामिल होने लगे तो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा आगे तक इसका चलने लगा। अब एले में कई ऐसे यंगस्टर्स थे जिन्हें ड्रग्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी वहाँ पे। इस वजह से इसका जो बिज़नेस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और इसके बच्चे भी इसी में शामिल होने लगे। पढ़ाई लिखाई सब तो कुछ था ही नहीं ऐसा, सिर्फ उन्हें ये धंधा करना था जो इलीगल धंधा था। मारिया यूनाइटेड स्टेट में एक अवैध NRI के रूप में रह रही थी, ये आरोप भी उस पर लगाया गया। बॉर्डर पार इसे ड्रग्स भेजना, ड्रग्स मंगवाना, इसके अलावा फ्रीज़र में इंसानों को बंद करके तस्करी कराना, जिसमें बच्चियां भी शामिल थी, ये आरोप भी इस पर लगा था। ड्रग तस्करी में इसके बेटों की जब एंट्री हुई थी, जब इसे लॉन्च किया गया इसके बेटों को, तो उन्होंने बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इसका आगे बढ़ाया था। इसके अलावा जब इसका ट्रायल हुआ तो मारिया पर बच्ची की तस्करी का जो आरोप था वो सबसे बड़ा आरोप था, क्योंकि इसने फ्रीज़र में बंद करके उन्हें बॉर्डर पार कराया। ड्रग्स, जो कि इससे भी बड़ा आरोप था, वो इसने किया। इसके अलावा ट्रायल के दौरान ये पता चलता है कि जिस गैंग को ये मारिया चला रही थी उसमें 6 बच्चे तो मारिया के ही शामिल थे। टोटल इसके 13 बच्चे थे और 6 बच्चे जो इस गैंग में इसके लिए काम कर रहे थे। इसके ये जो 13 बच्चों की माँ थी, इसे करीब 14 बार पुलिस ने पकड़ा था। ऐसे कई आरोप इस पर लगे थे जब इसे 14 बार पकड़ा गया, लेकिन बार बार ये फरार हो जाती थी। 2002 में छापेमारी इसके घर पे हुई थी, जिसके बाद इसके घर से कोकीन, हथियार, बॉम्ब मटेरियल, सेलफोन्स बरामद किए थे पुलिस ने। इसके बाद जब पुलिस वहाँ पर मौजूद थी इसके घर पे, तभी एक कॉल आता है। वो कॉल आता है ड्रग की, एक ऑफर डिमांड करने के लिए कि उन्हें ड्रग्स चाहिए। तो वो सेलफोन पे फ़ोन बजता है, जब पुलिस उसे उठाती है तब उसके बाद ऑर्डर के लिए फ़ोन आता है कि उन्हें ड्रग्स चाहिए। तो इससे साबित हो जाता है कि ये सब सारे काम मारिया कर रही थी। उसके अलावा घर पर कई छोटे बच्चे भी मौजूद थे और उसी घर में हथियार भी मौजूद थे, बॉम्ब मटेरियल्स भी मौजूद थे। 10 साल से भी छोटी उम्र के बच्चे उसके घर पे मारिया के मौजूद थे, इसके बाद भी ये सारे ऐसे काम मारिया कर रही थी। इस गैंग पर तमाम हत्याओं के आरोप भी लगे हैं। जो इनका राइवल गैंग था, जो विरोधी गैंग था, उसके भी कई लोग इसके बड़े बेटों ने मारे हैं, उसमें मारिया भी शामिल थी। मारिया ने भी कई लोगों को मारा है। तो कुल मिला के हत्या के आरोप, ड्रग तस्करी के आरोप, बच्चों की तस्करी के आरोप, अवैध रूप से यूनाइटेड स्टेट्स में रहने का आरोप, और ऐसे कई आरोप इस मारिया पर लगे हैं और उसके जो बड़े बेटे हैं उस पर लगाए गए। फिलहाल जब इस पुलिस ने इसको पकड़ लिया था, उसके बाद जब इसकी पूछताछ हुई थी, तब इसने कई ऐसी चीज़ें बताई कि इसने क्यों शुरुआत की, क्या क्या सब किया। तो उसने सारी अपनी कहानी खुद बताई। इसके बाद जब उसके बच्चे इसमें शामिल हो चुके थे, तो फिर पीछे मुड़ने का सवाल कहीं पे उठता ही नहीं था। फिलहाल जो ये कहानी मैंने आपको बताई है, वो एले की बताई है, जहाँ पर ये महिला अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी ज़िंदगी इसने पूरी बदल दी, अपने बच्चों को भी इसने इसी पूरे तस्करी के उसमें लगा दिया। लेकिन फिलहाल अंत जो हुआ वो यही कि इसे पकड़ लिया गया और इसके बच्चों को भी पकड़ लिया गया। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आप कोई ऐसा नाम जानते हैं, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री का नाम हो या भारत में कोई ऐसी साउथ की कोई ऐसी महिला हो जिसके बारे में आप जानते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।